कि डॉक्टर ने बोला था ना एक थर्मामीटर अपने पास रहो, कभी भी प्रिया को जैसे बुखार वगैरह चढ़ जाता है तो अपना चेक करते रहना और दवाई भी। जब मैं मेरे को बोलते ना मूव कर रहा है जैसे मैं हाथ रखता है कुछ देखता हूँ ना हिलता ही नहीं है यार, बताओ हद है। ऐसे नहीं पता लग रहा, गर्म नहीं हो रही ऊपर, अंदर ही अंदर से फील हो रहा है। सॉरी बोल, सॉरी सॉरी बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जा आ जा, अच्छा ले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह सुबह से, तो अब मेरी तबीयत ठीक है। कल रात को मेरे ना बहुत कमर दर्द हुआ था, तो होते रहता है क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया ना, बस 2 महीने रह गए हैं, आज से मुझे 8वां मंथ शुरू हो गया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी बहुत दवाई भी लेके आनी है मेरी, मैं वो लेके आ जाती हूँ क्योंकि दवाई खाना बहुत जरूरी होता है, खास करके मेरे लिए इस टाइम पे। अगर मैं दवाई ना खाऊं ना तो सही नहीं रहती है मेरी सेहत, मतलब दवाई खाऊं तो एकदम फिट रहती हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे कमर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सब दवाई से ही ठीक होता है। तो अभी दवाई लेने जा रही हूँ, और उससे पहले मैं अभी मम्मी के लिए लेके आई थी कुछ, मतलब मम्मी को कुछ काम देना है मैंने, ये वाला काम। तो ये 2 डब्बे मैं उनके लेके आई थी, और मम्मी ना बहुत अच्छे स्वेटर बिनते हैं, मतलब कपड़े बिनते हैं, हमारे जिया के और ढड़ू लोगों के सबके बिने थे। जब मैं आई थी ना मेरे लिए भी श्रग बनाया था मम्मी ने, बहुत अच्छा बनाया था। तो बिनाई में मम्मी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मम्मी को देती हूँ, बोलती इससे पूछ लेती हूँ, मतलब इसमें कितने नंबर की सीख लगेगी ना, मैं पूछ लेती हूँ। देखो सर्दियों में मम्मी का काम चालू हो जाता है ये वाला। क्या बना रहे हो इसका? कान्हा जी की ड्रेस। बस अब कान्हा जी की ड्रेस के बाद ये बनाओ, या कान्हा जी की या राधा जी की बनाओ अब, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ काम, इसमें मुझे बताओ कितने नंबर, अच्छा है ना? हाँ, कितने नंबर की सुई लगेगी वो मुझे नहीं पता था। सुई नहीं, सलाई लगेगी। हाँ, उससे बनाऊंगी ना सलाई से, 10 नंबर की या 11 नंबर के लेना है। ठीक है, धागा ज्यादा बिरी था ना। हाँ, तो अब आपका ये काम है, अब आपका काम चालू। तो जब ये बन जाएगा ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी ने अभी क्या कलाकारी दिखाई है। तो अभी मैंने धागा ले लिया, धागे को दिखा के मैं सिलाई लेके आ जाऊंगी, और गला बिनने वाली भी कुछ सुई हुई होती है, मतलब सिलाई होती है, वो भी लेके आनी है। तो अभी हम जा रहे हैं तो वो सामान भी ले लेंगे। बॉडी देखो, बॉडी ले। मुझे क्यों शर्म आएगी? क्यों आएगी मुझे शर्म, बता रहा हूँ। मैं बॉडी दिखा रही हूँ आपकी, देख रहे हो? जो है नहीं, अभी बन रही नजर पहले लगवा दे। कहीं भी जाना होता है ना 70 घंटे तक कपड़े पहने के खुद को शीशे में देखते रहेंगे, कभी यहाँ से देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, देख रहे हो? ये कौन लगा रहे नजर, मैं लगा रही हूँ कि खुद ही लगा रहे हो ज्यादा नजर? तू लगा रही है। हाँ हाँ, खुद की नजर लगती है। हाँ, खुद की नजर तो सबसे पहले लगती है। मैं रेडी हो गई, जल्दी आ जाऊँ, चलते हैं। सो गाइस, तुम्हारा भाई भी हो चुका है तैयार, और अभी हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले तो इसकी दवाई लेके आनी है, उसके बाद फिर बाइक का काम करना है, और बहुत सारे सामान लेके आने हैं। और मम्मी को काम लगा दिया इसने, और मुझे भी काम में लगा दिया, बिकॉज आई एम ड्राइवर। आजकल ना मतलब गाड़ी में बैठने में मजा आता है, एक तो गर्म सीट गर्म गर्म रहती है, और अभी ठंड का मौसम आ गया ना, तो इसलिए मजा आता है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही बैठ गए। बाप रे यार, इतनी जोर से गेट कौन बंद करता है बताओ, हद है। पता है दिल पे लगती है, एकदम छाती ठोंक के कह रहा हूँ मैं, दिल पे लगती है बड़ी जोर से, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अभी जिया की फीस जमा कराने गई है प्रिया, और फीस जमा कराने के बाद फिर इसकी दवाई लेके फिर हम जिया को लेके फिर जाएंगे घर। गेट बंद किया था तूने? गेट बंद किया था ना, जोर से धक्का मार था, अब नहीं खुलेगा ये। चुपचाप खोलो, बंद क्यों किया था? सॉरी बोल, सॉरी सॉरी बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जा आ जा, अच्छा ले। बाप रे, बदतमीज औरत। चलो यार चलते हैं, ये तो पागल है, निकल गई पैदल ही, यहाँ पे आके रुक गई। आजा आजा आजा, बैठ चल, बैठ जा, नखरे मत दिखा जा, चला। ओ, नखरे में कोई जीत भी नहीं सकता, ठीक है हमसे। आजा फिर आजा। हाँ, ज्यादा गुस्सा मेरे को दिखा देते, आपसे ऊपर है गुस्सा, प्रो लेवल। सॉरी, आजा बैठ जा। एक तो फीस जमा करके आ रही हूँ, कर रही हूँ, ये नहीं की चलो मैं चली जाऊँ, नहीं मैं चली जाऊँ, मैं चली क्यों जाऊंगी, मैं चली चला जाऊंगा मैं तो। मेरे को ये बता, तुझे जोर से गेट क्यों बंद किया? कितनी जोर से किया? बड़ी जोर से किया था, पता है? ये मेरे दिल दहल गया था मेरा। बस दहल गया था, वो नहीं कुछ, चुपचाप चलो। तो हमने दवाई ले ली है, और अभी सब कुछ ठीक है, मतलब बेबी भी ठीक है और मैं तो ठीक हुई हूँ। और काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बेबी मूवमेंट करने लगा है नहीं करने लगा, आपने बताया नहीं। तो हाँ, अभी तो अच्छी तरह मूवमेंट करता है, बस अब 1-2 महीने बाद आप देख ही लोगे। जब मैं मेरे को बोलते ना मूव कर रहा है, जैसे मैं हाथ रखता है कुछ देखता हूँ ना हिलता ही नहीं है यार, बताओ हद है। क्योंकि पापा से डरता है ना वो, इसलिए मिलता है। पहले खूब मूवमेंट करता है, जब मैं इनको बुलाती हूँ जल्दी हो देखो कहती हूँ ना, एकदम से शांत होके बैठ जाता है। मैंने फील नहीं किया अभी तक,
कोई बात नहीं, अभी बाहर आएगा ना अच्छे से फील करना, बस अब एक दो महीने बचे हैं तो आप लोग भी अच्छे से प्रे करना कि मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी ठीक हो। कहते हैं ना बस हमारे साथ इतनी बड़ी फैमिली जुड़ी हुई है तो इतने लोग प्रे करेंगे तो सब चीज अच्छा ही होगा। तो अभी आए हैं हम यहाँ पे कंबल लेने, जब पिछली बार आए थे हमें वहाँ पे मॉल में मिला नहीं था और महंगा भी था वो, तो इसलिए अभी आए स्पेशल कंबल की शॉप पे। यहाँ सारी रजाइयाँ रजाइयाँ मिलेंगी, स्पेशल कंबल की शॉप है ना, सारी रजाइयाँ रजाइयाँ है। 45 रुपए एमआरपी लेस करके आपको 2550 का ले रहेगा। एक डबल लेयर वाला आता है ना, इससे बढ़िया वाला है कोई जिसको ना मतलब सिंगल ही लेके गर्म हो जाए, दीदी डबल डबल लेना पड़ेगा, फुल विंटर का मॉल है। हां फुल विंटर में जहां ये वैसे वाला है जमा देगा। तो अभी हम लोग फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने फाइनल किया है। सही है, कितना महंगा था और यहाँ पे वहाँ पे पड़ रहा था 10,000 का और यहाँ पे पड़ रहा 4,000 का। तो अभी हमने ये वाला फाइनल किया है ब्लैंकेट, क्योंकि ये अच्छा भी है और थोड़ा सॉफ्ट भी है और न्यू डिजाइन भी है और कलर भी काफी यूनिक लग रहा है ना इनको, तो वो पसंद आ रहा था। वो कौन सा कलर है? वो फिरोजी। फिरोजी तो कलर इसमें है ही नहीं। नहीं नहीं क्या बोलते हैं, कलेजी। हाँ वो कलेजी रहा। कलर फिरोजी कह रही हूँ। मेहरून मेहरून इनको पसंद आ रहा था। तो हमने अभी सारा कुछ ले लिया, ब्लैंकेट भी ले लिया, चादर भी ले ली और कवर भी ले लिए और पिलो भी ले लिए, क्योंकि एक ही बार आए ना सारा सामान एक साथ ले ले ठीक है, क्योंकि बार बार ये आते नहीं है। मुंह देख लो इनका कैसा है। तो यहाँ पे सारा सामान अभी जा रहा है कार में, इसको आगे रख लो। चलो भाई सर जी की शॉपिंग भी हो गई, इसकी शॉपिंग है खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये वाइपर ले जा रही हूँ, इसको भी कुछ ऐसे काम करना जो आपके ऊपर टूटे। पहले वो लेके आए थे ना, कुत्ता लेके आए थे ना, बाद में तो वाइपर ही टूटा। उसके बाद घर और यहाँ पर सारा सामान हमने दे दिया। मम्मी के लिए शॉपिंग करी थी हमने, मम्मी को दे दिया। अरे मम्मी सर्दियाँ आ गई, आप बुढ़े हो गए, आपको ठंड लग जाएगी, इसलिए ठंड लग जाए। आगे पिछले साल के वो क्या बोलने वाले हैं, मतलब पिछले साल के जो कंबल रजाई है वो हमको दे दो आप। क्यों क्यों क्या हमें ठंड नहीं लगती क्या? यही ले लो आप, क्यों दे वो आप यही ले लो आप, ये दोनों इतनी इज्जत यही ले लो आप दोनों, मतलब दोनों। पहले तो ना हम दो ही थे तो रजाई आ जाती थी, अब तो 3-4 होने वाले तो इसलिए बड़ा वाला ब्लैंकेट लाना पड़ा। अब नहीं लाना ठीक है, इतना सारा सामान ठीक है, मैं बी होम। मैं तो कह रही थी इनसे नहीं लेते करके, जबरदस्ती मुझे खींच के ले। प्रिया ये गलत बात है, पता है आजकल ऐसे ऐसे पलट जाते ना, ये बहुत झूठ बोलती है पता है, और आप इसकी बात का यकीन मत किया करो। ये क्या कर रहे हैं मम्मी? काना जी की ड्रेस बना रहे हैं। कितने बन गए दिखाओ। अरे वाह। और मम्मी सिलाई मिली नहीं ठीक है, वो प्रिया बोलती कोई बात नहीं, मम्मी बोलते रहते मंगाते रहते सामान कोई नहीं था। हाँ मेरा सामान जो जरूरी है वो मंगाते रहते। हाँ वो प्रिया नहीं बोला कि मम्मी ऐवे मंगाते रहते फालतू खर्चा करते हैं। देखा मेरी, मैंने बोला मम्मी हाँ चल नहीं नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है सुबह ने मैंने ही पूछा था मम्मी से, मम्मी इसमें कितने नंबर की सिलाई लगेगी मैं लेके आती हूँ ठीक है, ना कि मम्मी ने मेरे से बोला तू लेके आना करके। नहीं मिला तो तभी उसने नहीं लाई। झूठ बोलना होता है ना, सोच समझ के बोलना होता है। अच्छा मैं आप मेरे लिए कब बनाओगे स्वेटर मुझे बताओ? जब स्वेटर बनाते थे तुम लोग मार्केट का होता था, मार्केट से लगाए मार्केट से लगाए, घर की मुर्गी दाल बराबर मेरी बनाई स्वेटर वैसे की वैसे पड़ी, उसको दी सबको बांट लिया मैं। नहीं लेकिन एक डबल कॉलर, एक मम्मी ने बनाई डबल कॉलर वाली, वो मेरी फेवरेट है और पता नहीं अब कहाँ है, कहाँ रखी वो डबल कॉलर? दे दिया वो मैंने, देखा मम्मी ने खुद ने दे दिया है। मेरे को दोबारा वही चाहिए, मेरे को वही चाहिए और मम्मी बहुत अच्छा स्वेटर बनाती है और मेरे को चाहिए तो चाहिए, एक छोटा साइज एक बड़ा साइज। सो गाइस आज जिम जाके रहूंगा, बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ और चलते हैं जिम और बनाते हैं बॉडी शॉडी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मतलब बोला था कि मैं दिसंबर के एंड तक मैं मतलब एप्स बना लूंगा करके, बट अभी तक एप्स मेरे दिख नहीं रहे मेरे को, बन जाएंगे हंस मत तू साइड में ठीक है। तो अभी दिसंबर में टाइम है वैसे, तो अभी फटाफट से एप्स बनाते हैं। पता है दिसंबर में एक महीना डेढ़ महीना दिन 13 दिन रह गए, आज 17 तारीख है। बाप रे। तो गाइस अब मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, मुझे पता है 15 दिन में नहीं एप्स आएंगे, बट फिर भी जितने बनते हैं उतने में बनाऊंगा, हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। तो चलो जिम चलते हैं आज, 4 साल से हार नहीं रही, गजब बेइज्जती है। अब वेट चेक कर लेते हैं, अरे यार बढ़ गया, दिवाली में कुछ ज्यादा खा लिया है। लेग का वर्कआउट किया नहीं क्योंकि ट्रेनर नहीं आया, तो हमने सीधा लेग छोड़ देते हैं, हम शोल्डर लगाते हैं, शोल्डर लगाई और अभी स्टीम देते हैं और नहा धोते सीधा घर को जाते हैं यार। पर आज शोल्डर लगा के भी मजा आया, बट लेग लगाते ना बैठ बज जाते पूरे, लगाया शोल्डर दिखा रहा है भाई सब जो दिख नहीं रहा है आप लोग, आपकी बॉडी भी नहीं है।
तो गाइस अभी ना एक थर्मामीटर लेके जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ना एक थर्मामीटर अपने पास रहो, कभी भी प्रिया को जैसे बुखार वगैरह चढ़ जाता है तो अपना चेक करते रहना, और दवाई भी क्योंकि 8वां महीना लग गया ना इसमें दवाई वगैरह भी साथ साथ में देते रहेंगे, इसलिए अभी थर्मामीटर लेके जाता हूँ। तो गाइस थर्मामीटर मैंने ले लिया है और पारे वाला थर्मामीटर लिया क्योंकि इसमें एक्यूरेट बता देता है जितना भी फीवर होता है, और जो डिजिटल वाला है उसमें एक्यूरेट नहीं बताता, इसे डॉक्टर ने स्पेशल बोला था कि पारे वाला ही लेना, तो अभी ये ले लिया मैंने। यार ये सामान अभी तक रखा प्रिया तूने? इसको बेड उठा के रखना है नीचे, यार जुकाम जैसा हो रहा है बहुत। ये ले थर्मामीटर, दवाई भी है इसमें। हाँ जुकाम भी हो रहा है ना, एक बार चेक कर लूँ कि बुखार तो नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं पता लग रहा, गर्म नहीं हो रही हूँ पर अंदर ही अंदर से फील हो रहा है। फील हो रहा है? ये मुंह में डालने वाला नहीं है? हाँ पता है। नाक में डालने चेक होता है ये आपके? हाँ मेरे नाक में डाल, तेरे को पता लगेगा। एक बार क्या हुआ था पता है? क्या? तो ऐसे यहाँ पे अंडरआर्म्स में डालने वाला होता है ना ज्यादा थर्मामीटर, तो हम घर पे लेके आ गए तो लड़ाई हो गई मम्मी की और सागर भैया की, बहस हो गई मतलब कि नहीं 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 डालते नहीं डालते। और कहीं यहाँ पे नया मेडिकल खुला हुआ था तो वो डॉक्टर ऐसा ही था, बुढ़ा सा था, वो यहाँ डालने वाला थर्मामीटर मुंह में डाल दिया सागर भैया के। यार इस बार मेरा वेट 3 किलो बढ़ गया। बढ़ेगा वेट तो, अब 8 मंथ चल गया ना, तो चल गया नहीं 8 मंथ लग गया तो वेट बढ़ेगा। इस बार बीपी भी बढ़ा हुआ है थोड़ा, मतलब ठीक है, पहले लो रहता था ना ठीक है। तो ये है इसका सरकारी कार्ड। सरकारी है वो? तो क्या है फिर सरकारी कार्ड? जच्चा बच्चा क्या होता है? जच्चा बच्चा सुरक्षित सुरक्षा परिवार के हाथ। हाँ, इस घर में हर पल हो खुशियों की दिवाली, आने वाली जो भी है नन्नी सी जान है आने वाली। Oh, sorry. पहले आता था नहीं गाना यार? आता होगा, आता नहीं आता है, आप लोगों को बताना। मेरे को तो पता है, मैंने देखा, सच में मैंने नहीं देखा। मैं दूरदर्शन पे आता था। दूरदर्शन तो मैंने देखा ही नहीं, हमारे घर से केबल लगी थी, एंटीना था ही नहीं। अमीर लोग ठहरे ना भैया, रिच यार। हमारे घर में एंटीना उंटीना नहीं था, सीधा केबल लगती थी हमारे घर में, तो था भी। आया आया ऐसे करते थे। चेक करिए डॉक्टर साहब कितना बुखार है, कैसी आंख बना के, शेड़ी आंख बना के, पर 18 बुखार है, 98 है, नॉर्मल है। बुखार चेक करने को बोला है, ठीक है, ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए। नॉर्मल है, जुकाम के उससे हो रहा है थोड़ा बहुत, जुकाम की दवाई खा जाएगा ठीक। चलो चलो अभी साफ सफाई रहने दो, खाना बनाओ। ओ, खाना बनाओ कह रही हूँ, खाना खाओ, बनाओ, साफ सफाई होगी है। चलो खाना खा लो, साफ सफाई रहने दो, अभी कर लेंगे। चलो आ जाओ यार, सारा गंद देख कितना मचा है, मेरे को अच्छा लगता है। इधर देख ये गंद, ये देख और मैं भी यहीं रखा हुआ है। अरे ढड़ू मान जाओ, कह रही हूँ ना मैं, अकेले बैठे हुए यहाँ पे, कह रही चलो खाना खाने के लिए। चलो कह रही हूँ ना, समझते नहीं यार, समझाओ मेरे ढड़ू को, अकेले अकेले बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। क्यों अकेले बैठा हूँ ये देखिए, मम्मी पिक है ना, ये बोर हो रही थी इसलिए यहाँ तेरा साथ देने के लिए बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ, समझी। मम्मी पिक, हमारे बच्चे क्या है, जॉर्ज, पेपर, 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 वेयर आर यू पेपर? खाना खा रहा है आपका पेपर, चलो